हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ को। तो कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ में जो आज का हमारा सब टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। तो यदि हम उसको परिभाषित करना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार है। रिप्रोडक्शन इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिमिलर काइंड। देखो, यहाँ पर सिंपली कहने का अर्थ ये है कि जो रिप्रोडक्शन है ये क्या है, ये फॉर्मेशन है। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में फॉर्मेशन हो रहा है न्यू इंडिविजुअल का ऑफ अ सिमिलर काइंड। देखो, सिंपली अगर रिप्रोडक्शन को इससे देखा जाए, री और प्रोडक्शन, री का अर्थ होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लिविंग बीइंग है या लिविंग थिंग है वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर रहा है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड, यानी कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म का। देखो, जैसे कि ह्यूमन है, तो ह्यूमन बेबी जो होता है, जब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को देखा जाता है तो वो ह्यूमन बेबी होता है, ठीक है, सिमिलर काइंड। यदि हम एलिफेंट में देखेंगे तो एलिफेंट जो है वो हमेशा एलिफेंट एक छोटे एलिफेंट को जन्म देता है, या टाइगर एक छोटे टाइगर को जन्म देता है, ठीक है, जो उन्हीं के जैसे दिखते हैं, यानी कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये जरूरी है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए, किसके सर्वाइवल के लिए, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। मतलब कि अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो आगे जाके वो जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू रहेगी। देखो, इस तरीके सबसे समझो कि मान लो ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पॉपुलेशन किनसे बनती है, ऑर्गेनिज्म से बनती है। तो ये कोई स्पेसिफिक टाइप की पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में हम मान लेते, जैसे कि हमें पता है कि जो जिसकी जिसकी बर्थ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो क्या आगे जाके हमें ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। यानी ये पॉपुलेशन जो है वो सोच लेते हैं कि अब हमारी पॉपुलेशन जो है वो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो नहीं करेगी, तो एक समय पे आके क्या होगा, इस पॉपुलेशन के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ हो जाएगी और वो स्पीसीज जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, ये बहुत जरूरी है किसी भी एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए या उसकी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए। क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, ठीक है। किसी ने अमृत पान नहीं कर लिया है कि वो जीता ही रहेगा, जीता ही रहेगा, जीता ही रहेगा। इसीलिए ये रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत जरूरी है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए और कंटिन्यूटी के लिए। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि ये रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है मुख्य रूप से वो दो प्रकार से होता है, या मैं कहूँ कि रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। देखो, पहला टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल, और दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, ये यूनिपेरेंटल है। ये कैसा है, यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल यानी कि केवल एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है प्रोजेनीज को, ठीक है, वो अपने ही जैसे प्रोजेनीज जो है उनको प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर की नीड नहीं है, ठीक है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो जो उसका जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ है वो अपने पेरेंट का क्लोन होता है, क्योंकि वो जेनेटिकली सेम होता है, ठीक है।
दूसरे प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये बाय पेरेंटल होता है, यानी कि ये बाय पेरेंटल होता है। इसमें जो एक पेरेंट होता है वो मेल पेरेंट होता है और जो दूसरा पेरेंट होता है वो फीमेल पेरेंट होता है। तो क्या होता है कि जो जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें गैमिट सेल्स होती हैं, उनमें क्या होती है, उनमें गैमिट सेल्स होती हैं। तो जो मेल गैमिट है वो फ्यूज करता है, ठीक है, फीमेल गैमिट के साथ, ठीक है, वो फ्यूज करता है फीमेल गैमिट के साथ। मेल गैमिट जो है उसको ऐसे बना लेते हैं, और वो फ्यूज करता है फीमेल गैमिट के साथ, और ये मिलके बनाते हैं ये मिलके बनाते हैं एक सेल। जब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मेल गैमिट फ्यूज करेगा फीमेल गैमिट के साथ, और वो फ्यूजन के बाद जो चीज बनेगी उसको हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है, उसको हम कहेंगे जाइगोट, ठीक है। और ये जो जाइगोट होती है ये खुद में एक सिंगल सेल होती है, इसमें डेवलपमेंट, इसमें ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट होता है, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वो हम जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल है, यहाँ पर दो पेरेंट्स की नीड होती है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को जो कि कॉम्प्लेक्स है और जिसने सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यदि उसे रिप्रोड्यूस करना है तो वो अकेले रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को नहीं कर सकता, उसे एक पार्टनर की नीड है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टनर चाहिए और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टनर की नीड नहीं है। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो यूनिक होते हैं, जेनेटिकली यूनिक है। ठीक है, जेनेटिकली यूनिक है, और यहां पर जेनेटिकली सेम है, ठीक है, जेनेटिकली सेम। यहाँ पे जेनेटिकली यूनिक क्यों है, क्योंकि ये दो ऑर्गेनिज्म के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए ना तो वो पूरी तरह मेल पेरेंट की तरह होता है और ना ही पूरी तरह से फीमेल पेरेंट की तरह होता है। वो उन दोनों का हम बोल सकते हैं कि उन दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं जेनेटिकली यूनिक है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन के प्रकार। अब बात करते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की, बताएं क्या ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो बच्चों इसका आंसर है नो। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है परंतु ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ के लिए। क्यों नहीं है, देखो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग तो हैं परंतु उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में इसके कुल एनसीईआरटी में इसके तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो आंसर है नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि जो एनसीईआरटी है हमारी उसमें तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है मूल का, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है वर्कर, वर्कर्स बीस का, ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल है स्टराइल कपल का। देखो ये जो म्यूल है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो जो फीमेल हॉर्स होती है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 64, फीमेल हॉर्स में कम नहीं, मतलब जो हॉर्स है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है विच इज 64, और डोंकी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 62 होते हैं। तो जब ये जो म्यूल है ये इसके कॉम्बिनेशन से बनता है तो इसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 63 होते हैं, ठीक है। तो ये जो म्यूल है ये स्टराइल होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये स्टराइल होता और इसमें रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी होती है वो नहीं होती है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरे होते हैं वर्कर बीज। तो वर्कर बी क्या होते हैं, वर्कर बी जो होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जो फीमेल बीज होते हैं उनमें केवल जो क्वीन बी होती है वही रिप्रोड्यूस कर सकती है, अदरवाइज जो वर्कर बी बीज होती है वो रिप्रोड्यूस की क्षमता जो होती है वो उसमें नहीं होती है। तो इस एग्जाम्पल है यहाँ पर वो है स्ट्राइल कपल का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ह्यूमन अगर कोई एक कपल है और उनके किसी भी रिप्रोडक्टिव जो पूरा सिस्टम है रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डिफेक्ट है, वो बाय बर्थ भी हो सकता है या आगे जब ग्रोथ के टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो कपल्स जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस की जो क्षमता होती है उसे खो बैठते हैं। तो इसीलिए ये ऐसे कपल्स भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पर हम क्या कह सकते हैं कि क्या म्यून लिविंग नहीं है? बिल्कुल है, वो उसमें लाइफ है, ये हम जानते हैं। वर्कर बीज जो है क्या वो लिविंग नहीं है? वो भी लिविंग है, उनमें भी लाइफ है। इन तीनों में क्या कॉमन है कि इनमें लाइफ है परंतु ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी रीजन की वजह से रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, परंतु रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है जीवन की। ठीक है, तो बच्चों रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के दौरान इंडिविजुअल्स अपने ही समान ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं उस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जरूरी है स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ यूनिपेरेंटल है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय पेरेंटल है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है परंतु ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लाइफ है, वो हम उन्हें लिविंग कहते हैं परंतु दे कांट रिप्रोड्यूस। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उससे बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए नए नए लेक्चर्स बनाती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।